अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ फॉलो अप प्लान। ड्रग एडिक्शन पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है वो होता है एडमिशन करवाना, और सेकंड स्टेप होता है फॉलो अप प्लान। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है, वो अपना जो ड्यूरेशन होता है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर ट्रीटमेंट के दौरान सिखाई जाने वाली चीज़ें सीख लेता है, और फिर जो है अपने स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे वो घर चले जाता है। और घर जाकर जो उसका सेकंड प्लान शुरू होता है ट्रीटमेंट का, वो होता है फॉलो अप प्लान। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फॉलो अप प्लान को मिस कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है, जो हमने जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर टाइम गुजारा है, वही हमारा ट्रीटमेंट था और अब हम घर आकर सही हो गए। अब तो ना हमें जो है किसी मेडिसिन की ज़रूरत है, ना किसी फॉलो अप सेशन की ज़रूरत है। अब हम जो है फिजिकली भी फिट है, साइकोलॉजिकल भी जो है हमारी कंडीशन बेहतर है। हम जो है हर मुश्किल का बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। तो जिन लोगों की इस तरह की सोच होती है, और वो लोग क्या करते हैं, फॉलो अप प्लान को मिस करना शुरू कर देते हैं। फॉलो अप प्लान को जैसे ही वो मिस करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनके अंदर जो है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स की वजह से, एक्सटर्नल ट्रिगर्स की वजह से वो दोबारा से कैफियत तारी होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर वो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, और उन्होंने जो कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर सीखा होता है वो उस पर अमल नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, और इस चिड़चिड़ेपन की वजह से उनकी जो डेली रूटीन होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। फैमिली के साथ छोटी छोटी बात पर नोक झोंक होना शुरू हो जाती है, कोई छोटी सी परेशानी को वो सर पर सवार करना शुरू कर देते हैं, और जो कुछ उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर रहकर सीखा होता है वो उन पर जो है 0% भी अमल नहीं कर पाते। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो दोबारा जो है किसी न किसी वजूहत की बेस पे जो है नशे की तरफ चले जाते हैं और नशा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जो है ये सोच होती है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है वो तमाम पीरियड जो उन्होंने गुजारा होता है, जो उन्होंने सीखा होता है, वहाँ पर उसका इलाज कंप्लीट हो जाता है, ये उनकी सोच गलत होती है। उनका इलाज का अभी जो है फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है, अभी जो सेकंड स्टेप होता है उनका, वो घर जाकर उन्होंने कैसे रहना है और कैसे उन स्किल्स को जो है अपनी लाइफ में यूटिलाइज करना जो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर सिखाए जाते हैं, और किस तरह उन प्रॉब्लम्स को जो है टैकल करना है, और किस तरह जो है उन चीज़ों से बचना है जो इन्हें नशे की तरफ लेकर जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की यही सोच होती है कि हमने जो है यहाँ टाइम पीरियड पूरा कर लिया है और हम जो है ठीक हो गए हैं, लेकिन ये सोच इनकी गलत होती है, और यही सोच की वजह से ये लोग दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। और एक इनकी बहुत ज़्यादा कॉमन सोच ये होती है कि अगर वो जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर दोबारा विजिट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं मेडिसिन के ऊपर, कि हमें जो है जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब जो है मेडिसिन दे दें, और इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर को या फिर जो है सेशंस को नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि मेडिसिन ही सब कुछ है। अगर मेडिसिन ही सब कुछ होता तो वो अगर घर में रहकर मेडिसिन खा रहे होते तो वो कभी भी नशे के करीब ना जाते। तो उनकी ये भी सोच गलत होती है, मेडिसिन भी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेशंस के दौरान ही पता चलता है कि वो पेशेंट जो है कितना का इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, कितनी मेंटल हेल्थ उसकी जो है मजबूत है, और किस तरह वो जो है हर स्किल्स को जो है मॉडिफाई कर रहा है और उसके ऊपर वर्क कर रहा है और उन स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है, कैसे वो जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा है जो उसकी लाइफ में आ रही है। और जो लोग मेडिसिन को लेकर ये कॉन्सेप्ट अपने जहन के अंदर जो है तैयार करते हैं कि मेडिसिन ही सब कुछ है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट गलत है। और इसके बाद ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनका खुद का अपना माइंड होता है कि जितना जो है टाइम भी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर पेशेंट ने रहना था वो तो रह लिया, अब जैसे ही वो बाहर आ गया है तो अब हम क्या करें, हम जो है कोई ये बच्चा तो नहीं है, ये खुद अपने इलाज के लिए विलिंग हो, ये अब बड़ा हो चुका है, इसको समझ आ जानी चाहिए और ये खुद जो है अपने इलाज के लिए फॉलो प्लान्स को फॉलो कर सकता है। हमें जो है बार बार इनको कहना अच्छा नहीं लगता कि आपका जो है फॉलो अप है और आप जो है बार बार मिस कर रहे हैं। तो उन फैमिली वालों की भी यही सोच है, क्योंकि नशा एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है जिसके इलाज के लिए जो है पेशेंट को लंबे अरसे तक जो है किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर साइकोलॉजिस्ट और
साइकेट्रिस्ट और इवेंट्स के पूरी की पूरी टीम के साथ टच में रहना पड़ता है ताकि वो जो है इन्हें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके, साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर के जरिए डिफरेंट स्ट्रेसर्स और डिफरेंट ट्रिगर्स के ऊपर वर्क कर सके, लाइफ के गोल सेट कर सके, और इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो इनकी मेडिसिन भी साथ साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं ताकि मेडिसिन की वजह से भी इन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर मेडिसिन के अंदर कोई रद्द बदल की जरूरत है तो वो साइकेट्रिस्ट करते हैं। फैमिली और पेशेंट के अंदर जो है गलत ये कंसेप्ट जिनके होता है कि फॉलोअप प्लान कोई इतना ज़रूरी नहीं है, तो वो सरासर गलत होता है। फैमिली और पेशेंट को दोनों को चाहिए कि वो फॉलोअप प्लान को बहुत अच्छी तरह जो है मैनेज करें और उसको फॉलो करें, और बहुत सारे पेशेंट जो है फॉलोअप प्लान के लिए एग्री नहीं होते तो उनकी फैमिली को हार नहीं मान लेनी चाहिए, उनकी फैमिली को रजामंद करना चाहिए किसी न किसी तरह, और उनको फॉलोअप प्लान के लिए जो है कन्विंस करके फॉलोअप प्लान उनका जो है फॉलो करवाना चाहिए ताकि फॉलोअप प्लान के अंदर उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स सामने आती हैं जिनको जो है साइकोलॉजिस्ट पेशेंट और फैमिली मिलकर जो है एक ऐसा गोल सेट करते हैं कि वो पेशेंट जो है वो दोबारा से उन प्रॉब्लम से बच सके और वो जो है खुद उसके अंदर इतनी एबिलिटी जो है डेवलप हो जाए कि वो जो है उन प्रॉब्लम्स को जो है टैकल कर सके और अपनी लाइफ को जो है नशा फ्री लाइफ गुजार सके। तो इसीलिए फॉलोअप प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉलोअप प्लान जो है किसी भी नशे के इलाज के लिए सेकंड स्टेप है, इसीलिए इसको अगर कोई शख्स मिस करता है तो उससे जो है बहुत सारे नुकसान का अजाला करना पड़ता है, और जो लोग इसको मिस करते हैं वो दोबारा नशे की तरफ चले जाते हैं। अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अदानी के बाद।